मई के महीने में यूक्रेन के मोर्चे से कई बड़ी खबरें आने लगी। पुतिन ने अपना युद्ध वाला गियर अचानक ही बदल लिया। इस युद्ध में यूक्रेन पर कई टुकड़े किए जाने का खतरा भी अब मंडराने लगा है। जब से ज़ेलेंस्की ने ये आग देखी है, जब से मिसाइल के हमलों से यूक्रेन में शोलों की ऐसी बाढ़ आई है, जब से पुतिन ने तय किया है कि खार्किव को किसी भी कीमत पर रौंद डालेगी रूस की फौज, तब से ज़ेलेंस्की और उनकी फौज की हालत खस्ता हो चुकी है। जैसे ही यूक्रेन युद्ध के 800 दिन पूरे हुए, तब पुतिन ने यूक्रेन में मिसाइलों की बहुत बड़ी बारिश कर दी। यूक्रेन रूस को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। पुतिन का अगला टारगेट खार्किव शहर है, जिसको पुतिन की फौज ने तीन तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन के लेफ्टिनेंट जनरल ओलेक्जेंडर पावलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पुतिन का प्लान खार्किव और सुमय शहर पर कब्जा करना है। पश्चिमी मीडिया के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ज़ेलेंस्की के दफ्तर यानी राष्ट्रपति कार्यालय के एक शख्स का दावा है कि पुतिन खार्किव पर कब्जे के बाद युद्ध रोक सकते हैं। यूक्रेन के ऐसे ही हालात को अब ज़ेलेंस्की की हार का हलफनामा कहा जा रहा है। हार का हलफनामा यानी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की ने हार मानने की तैयारी कर ली है। अगर पुतिन खार्किव पर हमला बोलते हैं और इस शहर पर कब्जा कर लेते हैं, तो ये मारियोपोल और बखमूत के बाद यूक्रेन के युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। खार्किव की आबादी करीब 13 लाख है और अब भी शहर में बड़ी आबादी टिकी हुई है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? रूस ने यूक्रेन के जाशिव यार का क्या हाल किया है, वो देख लीजिए। ये यूक्रेन के जाशिव यार शहर का एक ड्रोन वीडियो है। चाशिव यार शहर की हालत भी मारियोपोल, बखमूत और अवदीविका जैसी हो चुकी है। कोई इमारत नहीं बची, जहां बारूदी धमाकों ने तबाही नहीं मचाई है। रूस ने ज़ेलेंस्की के हर उस शहर को उजाड़ने की कसम खाई है जहां ज़ेलेंस्की की फौज लड़ने की कोशिश कर रही है। यहां 12,000 लोग रहते थे, अब कोई नहीं बचा है। महीनों चली बमबारी से एक एक ईंट हिल चुकी है। इस ड्रोन वीडियो को देखकर ज़ेलेंस्की का पैनिक लेवल टॉप पर पहुंच चुका है। इस पैनिक मीटर की सुई यूक्रेन के ढह जाने का सिग्नल दे रही है। पुतिन के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने नया ऐलान किया है। दावा है कि 2024 में ही रूस ने यूक्रेन की 547 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब यूक्रेन की फौज को और पीछे धकेलने की लड़ाई जारी है।